गाइस कैसे हैं आप लोग। आज संडे है और आज हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ जा रहे हैं ये आपके लिए सरप्राइज है। और शाम को हम लोग सब फैमिली वाले फैमिली मेंबर्स बाहर जा रहे हैं किसी काम से। अभी भी जानो नाश्ते लेने, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, फिर शाम में जाएंगे बाहर सात बजे। नाश्ता लेने आया हूँ मैं। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। पराठे तैयार होने ले आए हम लोग और ये बनाना है मुझे। इसके ऊपर एक गाना निकला था, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का कंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। नहीं भाई, मामूली बंदा तो नहीं, बहुत काम की चीज है। फ्राई करते हैं भाई इसको। मैं पे फ्राई रेडी, ऑमलेट नहीं हाफ फ्राई, पराठा, चाय, मक्खन और दूध की मलाई। और मैं जितना भी मम्मी डैडी करवा दे नाश्ता में नहीं छोड़ने वाला, ये मेरे साथ है और नाश्ता नहीं छोड़ने वाला भाई मैं। काया खान के व्लॉग्स। अच्छा ट्रेवल बलूचिस्तान से ऐसे मुझे बहुत ज्यादा वो है अट्रैक्शन और बहुत अच्छा कवर किया है, प्लीज उसको देखा करें, ये बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त। फिर बाइक तो यहाँ तक भी। ए डिंपल क्वीन ए बेटी का डिंपल, काय डिंपल आपका। एक दिन मेरे लिए हमेशा ही बोर होता है। मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की है, कुछ कॉपीज चेक की है, व्लॉग्स देखे हैं याया खान के, कुछ सीखा है उससे। और अब जो है वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं जहाँ हमें बाहर जाना है वहाँ की। और सौदा लोग कहाँ गई ये खड़ी है। तो अब मैं शेव करने लगा हूँ, शेव करने के बाद जो है वो तैयारी पकड़ेंगे बाहर जाने की। मेरी ट्रिमर ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ ये पड़ी है, ये मेरा ट्रिमर है भाई। ट्रिमर के मामले में ना जो बहुत ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा है, लेकिन ये ट्रिमर तो 2.5 साल 3 साल हो गए मैंने। चलिए उमर वहाब ने एक बंदा रिकमेंड किया था मुझे, उससे मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी मेरी, जबरदस्त ट्रिमर। चलिए भाई ये ट्रिम करते हैं, फिर उसके बाद खाना भी खाना है, देन तैयारी। पान मसाला है अली भाई हमारे बनवाते हैं, थोड़ा टाइट होता है यार ये पान का मसाला। डिलीशियस। कितने दिनों से पका गया, संडे को टाइम मिला तो संडे को नजर आया। फूडी बंदा हूँ भाई, बाहर में गई डाइट। तो भाई हम लोग हो गए रेडी बैठ जाने के लिए। असल में हम लोग जा रहे हैं एजाज के रिश्ते का प्रपोजल लेके, यानी कि जो हमारा डॉक्टर साहब है एजाज रहमान, उसके रिश्ते का प्रपोजल लेकर जा रहे हैं लड़की वालों के घर। और बस सब वही जा रहे हैं अभी, वही रेडी है। मम्मी की इसी वजह से चीखे आ रही है, रेडी है सबके सब, बस वही दिन में निकल रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे नहीं करनी बात, आप करो। नहीं आप करो, आप ही लगाए। नहीं नहीं लगाओ। तो भाई आज का दिन तो बहुत ज्यादा बिजी निकला, यानी कि हम ब्लॉग तो बना ही नहीं पाए। असल में किसी के घर पे जाकर इसी तरीके से बात व्लॉग बनाना या फिर इस तरीके से मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आप में रहता हूँ भाई, तो मैं अपने आप में रहने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने ज्यादा वो व्लॉग नहीं बनाया। एजाज का प्रपोजल लेकर गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब हो गए। अभी बाहर उसी का शोर शराबा चल रहा है, तो आप देखते हैं क्या क्या बनता है मेरे पास से। अच्छा तो ये था आज का दिन। थोड़ा सा मैं आपको मैं जरा बताऊं कि मैं अपने पॉडकास्ट में जो है ना एक आशिक को मिले आया। आशिक का यार कुछ यूं था, मैंने बनाया कॉन्सेप्ट के एक लड़का है जो पहले एक लड़की को काफी बार प्रपोज कर चुका है, लेकिन उस लड़की ने हमेशा उसको इग्नोर किया। फिर बाद में उसे अचानक वो कहता है कि भाई मुझे अचानक टेक्स्ट आया कि भाई आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ।
पूछा नहीं है, इन्फॉर्म किया है कि भाई मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ आज से, और लड़के ने बोला अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो तमाशे होते हैं वो सुबह कन्वर्सेशन है, होस्ट उससे सवाल करता है, वो जला हुआ है और इस तरीके से जवाब देता है, होता है कि भाई मैं क्या करूं, ये हुआ मेरे बाबू ने थाना थाया, काफी सारी चीजें मैं उसमें डाल रहा हूँ, प्लाट रेडी किया अभी तक। तो मैं चाह रहा हूँ कि 10-12 एक साथ जमा कर लूँ, फिर उसके बाद जो वो सीरीज वीरीज उसको बनाऊं। तो इंशाल्लाह मई के एंड मिड में या मई के एंड से मैं स्टार्ट कर लूंगा पॉडकास्ट। फ्लैट का भी खातिर का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया मेरा घर का, और कल कर रहा हूँ मैं छुट्टी, तो देखते हैं क्या चलता है, जुड़े रहिएगा।